ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत से ऐसे केस मेरे पास आते हैं जिसमें कि जो पत्नी है, जो अर्धांगनी होती है, मतलब अर्धांगनी का तो मतलब ही भूल गई हैं औरतें, वो किसी गैर पुरुष के संबंध बना रही हैं, किसी गैर के साथ बाहर जा रही हैं, और जो पति देव हैं वो बस देखते रह जाते हैं। तो यदि आपको भी ऐसे कोई परेशानी हो कि पत्नी जो है आपको छोड़कर मायके चली गई है, या फिर आपकी बात नहीं मानती, कोई बाहरी प्रेम विलाप ऐसा कुछ हो, तो आप बस ये छोटा सा उपाय कीजिएगा। इसके बाद ऐसा है कि आपकी पत्नी आपके पैर धो धो कर पिएगी, चाहे वो कितनी पत्थर दिल, कितनी कठोर क्यों ना हो, लेकिन एक बार ये मंत्र आपने सटीक लगा दिया उस पर, उसके बाद वो ज़िंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहेगी। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही करेगी। तो किसी भी शुभ दिन अथवा शुभ पर्व में सूर्योदय के पश्चात उत्तर की ओर मुंह करके मूंगे की माला से इस मंत्र का जाप प्रारंभ करें। 31 दिनों तक नित्य 3 माला आपको इसकी जाप करनी है, उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध करके वशीकरण से संबंधित वस्तु को मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करके प्रयोग में लाएं, तथा मंत्र में जो अमुक है उसके स्थान पर अपनी पत्नी का नाम लें, उसका वशीकरण हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम, अमुकम की जगह अपनी पत्नी का नाम लें, महापति मे वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें तो देखते ही देखते आपकी जो पत्नी है वो आपके प्यार में इतनी बावरी हो जाएगी कि किसी गैर पुरुष को, किसी गैर मर्द को देखेगी भी नहीं। और इसका प्रयोग तब भी किया जा सकता है अगर जो पत्नी है वो मायके जाकर बैठ गई हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सरल है पत्नी वशीकरण मंत्र। और ये जो जितनी विद्याएँ हैं इनमें जो आग में तेल डालने का काम जो करता है वो है आपका विश्वास। जितना अधिक आपका विश्वास होगा, बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जो है इस मंत्र का जाप कीजिए पूरी लगन के साथ, तो आप पाएंगे कि आपका जो परिवार है वो बच जाएगा। श्रद्धा के साथ इसको कीजिएगा तो माँ भगवती आपका जो मनोरथ है उसको जल्दी ही पूरा करेंगे। यदि किसी तरह की परेशानी, कोई ऐसी अड़चन आ जाए जो कि आपको समझ में ना आ रही हो, तो मुझे कॉल कर सकते हो 999-284-1625 पर। आप यहाँ पर अपनी कोई भी समस्या मुझे भेज सकते हैं और उसका निदान जो है मैं 24 घंटों के भीतर कर दूंगा। जय भोले की।